जय गुरुदेव। अब यंत्र की स्थापना कैसे करें, यंत्र की सिद्धि कैसे करें, ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम चावल या मट्टी का ढेर लगा देंगे। हाँ, कोई भी चीज़ का ढेर लगा सकते हैं, या चावल का या मट्टी का। ये ऐसे ढेर लगा, आपने लगा दिया। ढेर लगाने के बाद उसके ऊपर आप मेरु श्री यंत्र या संपूर्ण महालक्ष्मी यंत्र, ये 18 कैरेट गोल्ड का संपूर्ण महालक्ष्मी यंत्र है, इसको हमने रख दिया। इसके ऊपर हम मुखौटे को रखेंगे। ये मुखौटे को स्थापित करना ये बहुत जरूरी होता है, करो तो बहुत अच्छा होता है। इससे आपको जो फायदा होता है बहुत अधिक फायदा होता है। ये मुखौटे को हमने स्थापित किया, इसको अलग अलग प्रकार के तिलक हमने लगा दिए, कुमकुम के, हल्दी, चंदन के, और जो लाल रंग के फूल है उसको हमको चढ़ाने हैं। लाल रंग के फूल चढ़ाने के बाद हाथ में कटोरी पकड़िए, लेफ्ट हैंड में, अगर हो सके तो ऐसे पकड़िए। देखिए ये अर्धकूर्म मुद्रा है, इसको कच्छप मुद्रा भी कहते हैं, अर्ध कच्छप मुद्रा। इसके ऊपर कटोरी रखिए, इसमें लाल फूल लगाइए, और जो भी सामग्री है, राइट हैंड पे दिया, लेफ्ट हैंड पे अगरबत्ती है, 5 अगरबत्ती रखनी है, उसके ऊपर पाप पानी छिड़किए और बोलिए पवित्रम पवित्रम पवित्रम, भगवान विष्णु को याद करते हुए पवित्रम 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 अपने ऊपर छिड़किए, कहिए पवित्रम पवित्रम पवित्रम। फिर कटोरी को रख दीजिए और हाथ जोड़िए और बोलिए अपने गणपति जी, अपने गुरु, कुल देवी, इष्ट देवी, भगवान शिव, भैरव दादा, और जो भी देवी देवता और जो भी गुरुओं में आप मानते हो उन सबको प्रणाम करना है, नमस्कार करना है। और फिर से आप कटोरी, आप कच्छप मुद्रा या अर्ध कच्छप मुद्रा में ले लीजिए अपने हाथ में। इस फूल को ऐसे, ये 3 उंगली से, ये देखिए, इसको अपान मुद्रा भी कहते हैं या गौमुखी मुद्रा भी कहते हैं। ये गौमुखी मुद्रा या अपान मुद्रा में आप अपनी उंगलियों को लेकर फूल हाथ में रखिए और 21 बार इस यंत्र और मुखौटे पे पानी छिड़कना है। यह मंत्र बोलते हुए ओम ह्रीं श्री सर्व ऐश्वर्य कारिणी देवी नमः जागृय स्थापय स्वाहा। ओम ओम ह्रीं श्री सर्व ऐश्वर्य कारिणी देवी नमः जागृय स्थापय स्वाहा। ओम ओम ह्रीं श्री सर्व ऐश्वर्य कारिणी देवी नमः जागृय स्थापय स्वाहा। ओम ऐसे 21 बार बोलते हुए आपको पानी छिड़कना है, तब ये जागृत हो जाएगी। फिर आप 9 दिन इसकी उपासना करेंगे नवरात्रि की, तो पूरे सब 9 दिन आपको वापस ये विधि करने की जरूरत नहीं है, पहले दिन कर दिया तो हो जाएगा। लेकिन याद रखिए ये श्री यंत्र को जागृत करने की विधि नहीं है, ये सर्व ऐश्वर्य कारिणी देवी के लिए जो आप स्थापना कर रहे हो उसके जागरण की विधि है। श्री यंत्र को कैसे जागृत करते हैं वो श्री विद्या के क्लास में, समयाचार के लेवल 5 के क्लास में हम सिखाते हैं, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। वो बहुत ही लंबी विधि है, उसके पहले की जो प्रिपरेशन है वो क्लास 1 2 3 4 की प्रिपरेशन है, फिर आप आते हैं श्री विद्या में। तो ये श्री विद्या नहीं है, ये श्री यंत्र को जागृत करने की विधि नहीं है, ये केवल और केवल सर्व ऐश्वर्य कारिणी देवी की जो आप साधना करते हैं उसको जागृत करने का विधि विधान मैंने बताया है। जय गुरुदेव, जय माँ।